पिछले 20 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन में आपसी फूट नजर आने लगी है। अब एक ही जगह पर दो अलग अलग किसान संगठन अलग अलग मंचों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के संयोजक सरदार वीएम सिंह ने गाजीपुर बॉर्डर पर अपना अलग मंच बना लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरे किसान संगठनों पर निशाना भी साधा है। दरअसल TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में किसान नेता सरदार वीएम सिंह ने दावा किया है कि आंदोलन का समाधान सुलझाने पर उन्हें कथित किसान नेताओं ने आंदोलन से बाहर निकाल दिया है। वीएम सिंह को राष्ट्रीय किसान यूनियन बलराज का भी समर्थन मिला है। वीएम सिंह का कहना है कि तीनों कानूनों को रद्द किए बिना इस गतिरोध का हल नहीं निकल सकता है। 25 साल से हम जिनको रास्ता दिखा रहे हैं, उन्होंने अगर मुझे एक बात बाहर किया है, हो सकता है कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर कर दें इस आदेश के बाद। क्या सोचना है, ऐसे क्या सोच है? अगर रास्ता बंद है तो कहीं तो रास्ता दाएं बाएं करके निकलोगे ना भाई, और वो रास्ता हो जिस रास्ते से तीनों बिल भी खत्म हो जाए, हमारा काम भी चल जाए। हमने कहा कि 1.5 गुना लागत का दाम, आपने कहा था मोदी जी, स्वामीनाथन की बात करी थी, आज हमको आप जो है गारंटी दो कि MSP के ऊपर खरीद होगी, और इससे कम कोई खरीद करेगा तो जेल जाएगा। मतलब क्या होगा, तीनों बिल खत्म हो जाएंगे। फिर APMC में आपने कहा मंडी दूसरी प्राइवेट मंडी, प्राइवेट कम लेगी ज़्यादा लेगी, जब रेट के आपने तय कर दिया से कम कोई ले नहीं सकता, तो प्राइवेट हो APMC में फ़र्क नहीं पड़ता। वन नेशन वन मार्केट आप बात कर रहे हो, अरे भाई जब पंजाब में हरियाणा में दिल्ली में एक ही रेट होगा, इससे कम कोई ले नहीं सकता, तो वन नेशन वन मार्केट की जरूरत ही नहीं फिर जाने की कहीं, फिर तो वन नेशन वन रेट हो जाएगा। वीएम सिंह का साफ कहना है कि अगर सरकार लागत का 1.5 गुना कीमत के MSP की गारंटी की खरीद लेने के लिए लिखित आश्वासन दे दे तो किसानों की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में लिहाजा वीएम सिंह भी कोर्ट के तहत हल निकालने पर भी बल देने की बात कह रहे हैं, लेकिन तीनों कानून पर अड़े दूसरे किसान संगठनों की मांग को उन्होंने संदिग्ध की श्रेणी में खड़ा किया है। उनका कहना है कि उन्हें नहीं पता है कि जिद पर अड़े बाकी किसान संगठनों की मंशा क्या है। दरअसल वीएम सिंह ने मीडिया के सामने कहा है कि बाकी किसान संगठन सरकार से बातचीत करे या ना करे, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हमारी मुख्य मांग MSP की गारंटी देने वाला कानून है। दूसरे मुद्दों पर सरकार के साथ बातचीत में चर्चा की जाएगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।